हेलो गाइस, आज बनाने वाले हैं लखनऊआ सेवई और छोले। छोले चाट वाले जो ईद को बनते हैं, ये बनाते हैं, बड़ी आसानी से बन जाते हैं। बनाना शुरू करते हैं। मैं हूँ शीरी, शीरी के किचन में आपका स्वागत है। अगर आपने चैनल मेरा सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, शेयर करें। सेवई बनाना शुरू करते हैं, वो भी मैं अपने स्टाइल में। सेवई बनाने के लिए ये 2 चम्मच देसी घी ले लिया है, इसे पिघलने देते हैं। मैं देसी घी डाल रही हूँ, आप डालडा घी या रिफाइंड ऑयल, उसमें भी सेवई बना लें तो अच्छी लगती है। मैं इसमें डालते हैं ड्राई फ्रूट आप अपने पसंद से डाल लें। मैं काजू और थोड़े बादाम है ये डाल रही हूँ। इसे रोस्ट कर लेती हूँ 1 मिनट तक मीडियम गैस पर। लखनऊ सेवई बहुत बढ़िया लगती हैं खाने में। आप इसी तरीके से बनाएं, पूरी वीडियो देखें, स्किप ना करें, पूरी वीडियो देखें, तभी तो इस तरीके से सेवई बनाएंगी आप। ड्राई फ्रूट हमारे रोस्ट हो गए, इसे निकाल लेते हैं। अब इसी घी में डाल देते हैं, ये 100 ग्राम सेवई है, मैंने तोड़ लिया था इसे। अभी इसे भी रोस्ट कर लेते हैं मीडियम गैस पर 2 मिनट तक। सेवई को रोस्ट कर लेते हैं, तब तक इसमें एक अच्छी सी खुशबू आने लगा, तब तक रोस्ट करना है। सेवई रोस्ट करके बनाओ तो बहुत बढ़िया खाने में लगती हैं। देसी घी की बड़ी अच्छी खुशबू आती है इसमें। सेवई का कलर जो है चेंज हो गया रोस्ट होते होते। सेवई हमारी रोस्ट हो गई, इसे 2 मिनट लगे हैं रोस्ट होते हुए। इसमें डालते हैं दूध, ये 400 ml दूध है, ये डाल देते हैं। ये 400 ml का मग है मेरा, 500 ml दूध डालना है, थोड़ा और डाल देते हैं। और दूध के साथ सेवई को पकने देते हैं, जब तक पकाएंगे जब तक दूध सेवई को खुशक कर ले। चलाते हुए अच्छी तरीके से इसे पकने देते हैं, उबाल आने देते हैं। और देसी घी में सेवई फ्राई कर लियो तो चिपकती भी नहीं है, बड़ी अच्छी अलग अलग रहती हैं ये। दूध हमारा खुशक होने लगा है सेवइयों में, दूध को सेवइयों ने पी लिया है। इसमें डालते हैं ये 100 ग्राम खोया है, इसे मैंने कद्दूकस कर लिया था, ये डाल देते हैं इस टाइम पर। खोए वाली सेवइयाँ डालते हैं। ये 100 ग्राम चीनी है, चीनी आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं, मीठा जैसा पसंद हो आपको। खोए को चीनी को डालकर मिक्स कर देते हैं। ये लखनऊआ सेवई हैं, खाने में बहुत टेस्टी लगती हैं। मेरी यही कोशिश रहती है मैं आपके लिए अच्छी से अच्छी रेसिपी लाऊं। मैंने अपने घर पर ये सेवई बनाई थी उस दिन रमज़ान में, तो मुझे अच्छी लगी, मैंने सोचा ये रेसिपी आप तक पहुंचाऊं। बहुत बढ़िया खाने में टेस्टी, सुपर टेस्टी सेवई हमारी बनकर तैयार हो चुकी है। इसमें डालते हैं थोड़ी क्रीम, दूध की मलाई है जो ऊपर दूध पर आ जाती है मलाई, इससे सेवइयों में डालने से एक सोंधापन आ जाता है मलाई डालने से। इसमें हमने खोया डाला, देसी घी में सेवइयाँ फ्राई करी हैं, मलाई डाल दी तो सेवई का टेस्ट वो बहुत बढ़ जाता है मलाई डालने से। इसमें डाल देते हैं ड्राई फ्रूट जो मैंने रोस्ट करके रखे थे, काट लिए, इस टाइम पे डाल देते हैं। बहुत बढ़िया सेवइयाँ हमारी बनकर तैयार हुई हैं लखनऊ का सेवई। इसे खा कर देखते हैं, निकाल लेते हैं। इसे बिल्कुल नहीं भूनना है, इसमें थोड़ा सा पानी रह जाए सेवई में तभी उतार लेना है। बहुत बढ़िया सेवइयाँ बनी हैं। वाह, बहुत बढ़िया सेवइयाँ बनी हैं, इसका कोई जवाब नहीं टेस्ट का। ये 250 ग्राम छोले हैं, ये शाम खिला दिए थे मैंने, शाम को फुला दिया था, ये फूल गए, इन्हें उबाल लेते हैं। ये धो लिया था, धो कर मैंने इसका पानी निकाल दिया है और दूसरा पानी डाल दिया था। इसे कुकर में डाल देते हैं हम, इतना पानी डालेंगे छोलों के ऊपर तक बस पानी आ जाए। इसमें डालते हैं आधा चम्मच नमक, और नमक डालकर छोलों को उबलने रख देते हैं गैस पर। 2 सीटी जो है तेज़ गैस पर लेना, बाकी गैस को जो है मीडियम कर देते हैं। मीडियम गैस पर 20 मिनट तक छोलों को उबलने देते हैं। उधर हमारे छोले उबल रहे हैं, जब तक इधर मसाले भी तैयार कर लेते हैं। 1 चम्मच चाट मसाला ले लेते हैं, 1 चम्मच छोले मसाला,
एक चम्मच सौंठ का पाउडर, सौंठ जो होती है अदरक, सूखा हुआ अदरक, उसका पाउडर डालने से छोलों का टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है। आधा चम्मच आमचूर पाउडर, ये आधा चम्मच डाल रहे हैं, चाट मसाला डाला है इसलिए आमचूर पाउडर कम डाल रहे हैं। थोड़ा सा गरम मसाले डाल रहे हैं, एक चम्मच कुटी हुई मिर्च, मिर्च आप अपने पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें थोड़ा पानी डालकर एक अच्छा सा घोल बना लेते हैं। सूखे मसाले डालते हैं तेल में तो जल जाते हैं, थोड़ा काला नमक डाल देते हैं, नमक और नहीं डालेंगे हमने, और नमक जो है छोलों में भी डाला है। ये ड्राई फ्रूट ले लिए, काजू, बादाम, मगज़, नारियल, ये भी हमें छोलों में डालना है। छोलों को उबलते हुए हमारे 20 मिनट हो गए, इसे चेक कर लेते हैं। निकाल के देखते हैं छोलों को, छोले बहुत अच्छे सॉफ्ट हो गए हैं, बहुत अच्छे तरीके से गल गए हैं। इन्हें निकाल लेते हैं पानी में से। अब चलते हैं गैस की तरफ, थोड़ा सा तेल डाल कर छोलों को बघार दे, हींग और जीरे में, और ये जो मसाले घोल कर रखे थे ये डाल देते हैं। और इस पर ड्राई फ्रूट से गार्निश करते हैं। छोले बनकर हमारे तैयार हैं, सौंठ के साथ खाएं या हरी चटनी के साथ खाएं। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ।